बंगाल के गवर्नर पर महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। गवर्नर आनंद बोस के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज। ममता बनर्जी ने बंगाल गवर्नर को लिया आड़े हाथ। बंगाल में भयंकर बवाल मचा हुआ है। बंगाल में एक ऐसे ऊंचे पद वाले इंसान पर एक ऐसा आरोप लगा है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस पर राजभवन की ही एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, महिला ने इस मामले में हरे स्ट्रीट थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज करवा दी है। महिला का आरोप है कि वह अपनी अस्थायी नौकरी को पक्का कराने के लिए निवेदन लेकर गवर्नर के पास जब पहली बार बुधवार को गई थी, उसे गलत तरीके से छुआ गया। उसके बाद गुरुवार को एक बार फिर जब वो इसी निवेदन के साथ गवर्नर सीवी आनंद बोस के पास गई थी तो दोबारा उसके साथ वही हुआ। अब इस महिला के आरोप पर ममता बनर्जी ने भी अपना बयान दिया है, साथ ही टीएमसी ने इसे एक अजीबोगरीब घटना भी कहा है। राजभवने चाकरी करत विवेक से दे तारे की व्यवहार कर माननीय राज्यपाल महाशय अपनी हमारे कल के बोले पाठिए मंत्री क्यों अपना के सब बोले शुने रखे एक नये हजार घटना इसे क्योंकि दिन को कथा बोली कितु कल के मेटर कान्ना हृदय विदरण हो सन्देशकाली बलवार आगे अरे राज्यपाल क्यों क्यों तर क्या मे क्यों तर घरे क्या बोले मेदनीपुर पूर्वर एक मेके एक बार नये পরপর দুবার মলেস্টেশন করেছেন। আমি তো তার কান্না দেখলাম, আমার কাছে ভিডিও এসছে, আমি পুরো মন দিয়ে দেখেছি। সেখানেই তো আপনি কাল থেকে এলেন, কই একটা কথা মুখ দিয়ে তো বললেন না। আপনার লোকজনের তো তখন ছিল যখন মেয়েটা কেঁদে বেরোচ্ছিল, বলেছে আর আমি রাজভবনে চাকরি করতে যাব না, ভয় পাচ্ছে, কখন যখন তখন ডেকে খারাপ ব্যবহার করবে, অসম্মান করবে। আর আপনি মা বোনদের নিয়ে কথা বলেন, আপ কিয়া বাতায়ে, হাম লোগ তো পুরা চৌক গয়ে হ্যায়, আর হাম লোগ একদম জিসকো কেহতে হ্যায় কি এসি ঘিনোনি হরকত আগর ইস জগহ অফিস অফ দা গভর্নর আর রাজ্যপাল করেঙ্গে রাজভবন মে করেঙ্গে ইয়ে কেসে হো সকতা, ইয়ে তো কেসে কোই মানেগা ইয়ে সব বাত কি ইয়ে কিয়া कर दी हैं आप। आप सोचिए एक राज्यपाल, उसकी गरिमा और उनका इस तरीके का आचरण, उनके वहां पीस रूम में काम जो कर रही थी एक स्थायी महिला कर्मी, आप उसको बुला के उसके ऊपर यौन अत्याचार, ये जो महिला कह रही है, रो रही है, बिलख रही है, असहाय है, गरीब है, और वो गई थी एक दरख्वास्त लेके कि उसकी जो स्थायी नौकरी है उसको अगर स्थायीकरण किया जाए, उसके बदले में उससे क्या मांगा जा रहा है, कौन मांग रहा है राज्यपाल, कितनी घिनौनी हरकत है, कितनी नीची सोच है, और ये तो एक अपराध है। इस अपराध को इस देश के कानून, महिला कानून जो है, महिलाओं के ऊपर अपराध जो होता है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ये कानून बहुत मजबूत है, और ये मजबूत कानून के तहत ये महिला विचार मांग रही है। आज कितना साहस उन्होंने जुगाड़ किया तब जाके वो राजभवन से भागते हुई गई थाने तक। अब क्या बोले, बंगाल को आपने नंगा कर दिया, आप तो खुद नंगे हो गए, बंगाल को भी आपने बदनाम किया है, देश में पूछ रहे कहां के राज्यपाल, कहां के राज्यपाल कौन है, बंगाल के राज्यपाल, बंगाल की क्या इतिहास है, राजभवन की क्या इतिहास है, सबको आपने मिट्टी में मिला दिया। और आप अपने विवेक को जवाब दीजिए, आप कहते नहीं।